न्यूटन स्कूल के बारे में, तो आप लोगों जिनको नहीं पता है न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यार ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपेयर करती है फॉर योर कैरियर इन टेक, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो। बट आप क्या है, मतलब क्या है कि आजकल बहुत सारे एक्चुअली में बहुत सारे वेबसाइट्स है जो कि आपको जॉब दिलाने हेल्प करते हैं, बट न्यूटन न्यूटन से अलग कैसे है यार? अगर आपको जैसे सपोज यू आर स्टूडेंट और यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर वुमेन विथ नो कोडिंग बैकग्राउंड, तो आपको कोडिंग सीखनी है और आपको एक टेक फील्ड में जॉब लेनी है आफ्टर कॉलेज कॉलेज कंप्लीट, और आपको अपनी जॉब स्विच करनी है, तो उस टाइम पे आप न्यूटन स्कूल कैसे बेस्ट है? आपको क्या है, जब आप न्यूटन स्कूल में अप्लाई करोगे तो यू डोंट हैव टू पे एनी मनी इन द स्टार्टिंग। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है एंड आपकी जब जॉब लगी उसके बाद आपको पे करना है, एंड बाकी के सारे डिटेल्स आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आपको एक बार आप चेकआउट करें न्यूटन स्कूल के बारे में, एंड ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो मैं आपको इसको ये लिंक ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पे न्यूटन स्कूल काफी सारा कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं ये लोग, कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था इनका हाल फिलहाल में, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों ने आई थिंक 50 के प्लस इन्होंने इनके पार्टिसिपेंट थे उस कॉन्टेस्ट में। तो अगर आपने मिस आउट कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे भी जब अगर कोई कॉन्टेस्ट कल आता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया करूंगा वीडियो वीडियो के थ्रू, ठीक है? तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर न्यूटन स्कूल के बारे में कि क्या है कैसे कर, आई थिंक मैंने आपको बता ही भी दिया कि अगर आपको जॉब लेनी है बट यू डोंट हैव टू पे यू डोंट हैव मनी इन द स्टार्टिंग, अगर आप क्या करो आप जॉब ले लो, फिर आपके पास आप क्या करना आपके जॉब लेने के बाद आप उसके बाद पे कर सकते हो इनको, ठीक है? एंड ये तो रहा, एंड आपको सपोज कि इनके बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, अगर आपको उनमें पार्ट लेना है तो मैं आपको लिंक दे दिया करूंगा, जब भी कोई इससे पहले हो चुका है एक बार, एंड अगर इसके बाद अगर कोई आता तो मैं क्या करूंगा आपको अपडेट कर दूंगा, एंड मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो ठीक, जो हम देखने वाले स्टैटिक फंक्शन के बारे में, स्टैटिक मेथड से आपके मैं फंक्शन कर लूँ तो अभी मेथड्स कहता हूँ क्योंकि मेथड्स एक कन्वेंशन हो गया है आजकल, हम मेथड्स बोल रहे हैं फंक्शन को, ठीक है? तो अभी हम बात करने वाले हैं स्टैटिक मेथड्स के बारे में और आप स्टैटिक फंक्शन के बारे में, तो ठीक है? यहाँ पे हम देखने वाले स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, तो एक बार उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे, बस हम ये रिवाइज करने वाले हैं कि लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, बिकॉज अगर हम अभी मैं अगर पूरे स्टार्टिंग रिवाइज करने लगूंगा तो कोई फायदा नहीं है, एक वीडियो उससे बन जाएगा पूरा, ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ यार इस पे ना एक मतलब जो हमने पीछे डिस्कस किया अभी तक उसको रिवाइज करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था वो देखते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया अभी तक। तो हमने डिस्कस किया था अबाउट स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है? स्टैटिक कीवर्ड क्यों होता है यार, ये सबसे पहले था कि मेमोरी मैनेजमेंट को, हमारे मेमोरी मैनेजमेंट को यूटिलाइज करता है ये, ठीक है? अभी यूटिलाइज कैसे करता है, सपोज कि आपने दो ऑब्जेक्ट बनाया S1 S2, एंड S1 के आपके जो डेटा मेंबर्स हैं ये एक अलग एड्रेस पे बन रहे हैं, सपोज 2857, इसमें आपने एक और वेरिएबल बना दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ भी ये बना दिया आपने, एंड आप चाहते हो कि जब भी आप कोई स्टूडेंट ऐड करो अपने क्लास में तब आपका वो आपकी आपकी जो स्टूडेंट काउंट है वो एक से बढ़ जाए, ठीक है? बट क्या हो रहा है कि आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे एक से बढ़ा दिया, बट आप जब दूसरा अपडेट बनाओगे ना S2 के लिए, दूसरा अपडेट आपने S2 बनाया, इसमें जो डेटा मेंबर्स आएंगे यहाँ पे, बट इसमें जो डेटा मेंबर्स आ रहे हैं वो अलग एड्रेस पे, 3578 पे एड्रेस पे कुछ है, बट इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये भी एक अलग एड्रेस इसी एड्रेस से बन रहा है, एंड एक नए के साथ, मतलब एक नया नंबर ऑफ स्टूडेंट बन रहा है अकाउंट जो कि इन साइज को जीरो से, ठीक है? तो इसीलिए हम स्टैटिक को यहाँ पे हम चाहते हैं कि यार लेकिन ये तो क्या हुआ, यहाँ पे अलग बन गया, यहाँ पे अलग बन गया, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो से स्टार्ट हो गई, जीरो से स्टार्ट यहाँ भी हो गई, यहाँ भी हो गई, अब क्या होगा, अब जब भी आप कॉल करोगे ना हर बार इसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होकर वन हो जाएगी हर बार, क्योंकि आप प्लस प्लस कर रहे हो ना यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्लस प्लस कर रहे हो, देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ प्लस प्लस, जैसे ही आपको नया अपडेट कॉल करोगे इसकी वैल्यू हर बार वन होगी वन होगी, बट आपको ये नहीं ये थोड़ी चाहिए, आपको ये चाहिए कि यार जब भी कोई स्टूडेंट बने पहले अगर एक हो गया वो दो हो, ना कि फिर से वन हो जाए, पहले जीरो था फिर वन फिर जीरो हो जाए फिर वन हो जाए, नहीं एक हो गया दो होगा अब तीन बढ़ते जाएगा, तीन चार जैसे ऐड करोगे, जितना ऑब्जेक्ट ऐड करोगे उतने नंबर ऑफ काउंट बढ़ते जाए, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है? इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड, अब देखते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड कैसे हमारा रोल में आया था, यहाँ पे हमारे यूज में कैसे आया था कि सपोज कि हमें हम जब भी कोई किसी वेरिएबल के आगे लिख देंगे ना स्टैटिक लिख देंगे, स्टैटिक इंट नंबर स्टूडेंट स्टैटिक लिख दिया, और ये देखो हमने क्या किया, इसके आगे स्टैटिक लगा दिया, ये हमारा वेरिएबल इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके आगे मैं स्टैटिक लगा दिया, स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, आपकी आपके जो स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, आपका जो वेरिएबल है ना उसके लिए सिर्फ एक बार ओनली वन टाइम मेमोरी एलोकेट करती है यार, ये सिर्फ एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगी पूरे प्रोग्राम के लाइफ टाइम के लिए, सिर्फ एक ही बार मेमोरी एलोकेट हो रही है उसको, ठीक है? सिर्फ एक बार मेमोरी एलोकेट हो गई, अब क्या होगा, ये एक ही एड्रेस से बना है, ऐसा नहीं कि पहले 2578 बन गया एक ऑब्जेक्ट के लिए, S1 के लिए यहाँ बन गया, S2 के लिए बन गया 567 पे, S3 के लिए बन गया 7 8 9 10 पे, ऐसे कहीं नहीं, अगर एक बार ये 257 में अगर सपोज कि ये वेरिएबल आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है,
एंड ये सपोज की बन गया है 3578 पे. अब जब भी कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा ना, या ये दूसरा सपोज के कोई ऑब्जेक्ट बना S2, अगर उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्सेस करना है तो उसको उसी एड्रेस पे जाके वो वेरिएबल एक्सेस करना होगा, और उसकी जो वैल्यू थी पहले उसमें इंक्रीमेंट करनी होगी. ठीक है, तो ये होता है स्टैटिक कीवर्ड से, ऐसा होता है. और स्टैटिक कीवर्ड को, अब स्टैटिक कीवर्ड एक, अगर आपने उसको क्लास के अंदर डिक्लेयर किया तो एक क्लास वेरिएबल हो गया. ये क्लास के अंदर का वेरिएबल है, इसको आप बिना बिना ऑब्जेक्ट के हेल्प से, बिना ऑब्जेक्ट के साइन, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है. आप सीधा लिख सकते हो क्लास का नेम स्टूडेंट डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा भी लिखोगे तो आपको, आप इसको एक्सेस कर लोगे. ठीक है, तो ये था हमारा स्टैटिक कीवर्ड का, ये था पहला. और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या थे वो देखते हैं अभी. ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, दो तीन को हमने, दो तीन तो नहीं, आई थिंक एक और दो कोर्स हमने देख लिए थे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं. हमने कोर्स देख लिए थे क्या करने, कैसे करने हैं वहाँ पे. एंड अभी देखते हैं हम लोग कि अभी क्या कर सकते हैं. अभी हम इस वीडियो में क्या करने वाले, हम देखने वाले स्टैटिक फंक्शन के बारे में. ठीक है, तो स्टैटिक फंक्शन हमने, आई थिंक सेम ही है, बस मुझे बताना, मतलब मैं आई थिंक लास्ट में बताना भूल गया था कि स्टैटिक फंक्शन होते क्या है. यूज केस सेम ही है, बस देख लेते हैं स्टैटिक फंक्शन होते क्या है. स्ट्रिंग मतलब वही है, अगर हम किसी भी किसी फंक्शन के आगे, ये जो हमारा ये क्या, ये हमारा फंक्शन है ना वॉइड प्रिंट, अगर हम इसके लिख दें स्टैटिक, लिख देना इसके आगे स्टैटिक पब्लिक वॉइड प्रिंट, अब हमारा क्या हो गया, स्टैटिक फंक्शन हो गया. ठीक है, इसके लिए भी यार मेमोरी एक ही बार एलोकेट होगी, इसके लिए भी मेमोरी हर बार एलोकेट नहीं होगा. एक बार ये बन गया तो बस एक बार ही मेमोरी एलोकेट होगी, इसके बाद मेमोरी एलोकेट नहीं होगी इसके लिए. ठीक है, ये था हमारा स्टैटिक कीवर्ड. ठीक है, अब देखते हैं अब क्या था हमारा स्टैटिक कीवर्ड, ये हो गया हमारा. इसके बाद क्या था इसका, अब क्या था, हमने मैंने पहले बता दिया स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, रादर क्लास को बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट के बिलोंग करने की वजह से, सॉरी स्टैटिक कीवर्ड क्लास को बिलोंग करता है, ना ही किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है. ठीक है, ये हो गया हमारा. और स्टैटिक स्टैटिक मेथड को सपोज, और एक था मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसके लिए भी मैं स्टैटिक फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक मेथड्स. मेमोरी विल गेट साइंड ओनली वंस, ये हो गया इसके लिए स्टैटिक कीवर्ड के लिए, हो गया ये हो गया. दूसरा क्या था हमारा, ये क्या था हमारा, और क्या था इसके लिए हमारा स्टैटिक, हाँ इट बिलोंग्स स्टैटिक कीवर्ड, हाँ स्टैटिक बिलोंग्स टू क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट. उसके बाद क्या था, स्टैटिक कीवर्ड कैन बी इनको स्टैटिक, ओ सॉरी स्टैटिक कीवर्ड नहीं होगा, स्टैटिक मेंबर्स, स्टैटिक की ऐसे लिखते हैं, स्टैटिक डेटा वेरिएबल्स और फंक्शंस, स्टैटिक डेटा मेंबर्स और मेथड्स कैन बी इन्वोक्ड यूजिंग, कैन बी इन्वोक विदाउट यूज विदाउट हैविंग द नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लिख सकती तारीफ पहले लिख दिया है. और क्या था एक, आपको जो होता है ना स्टैटिक मेथड कैन बी एक्स स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस द स्टैटिक डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास एंड चेंज इट्स वैल्यू स्टैटिक, क्योंकि ये खुद स्टैटिक है, स्टैटिक मेथड खुद स्टैटिक है, और इसको स्टैटिक जो हमारा डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो ये आराम से कर सकता है. ठीक है, तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन स्टैटिक स्टैटिक फंक्शन के अराउंड. आई होप ये समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.